चलिए ये तो बात हुई कैट और सलमान के पैचअप की, अब बात करते हैं रणबीर की, जो प्रियंका से तो डरते हैं लेकिन एक चीज करने से बिल्कुल नहीं डरते। जानते हैं रणबीर को किस से नहीं डर लगता? रणबीर किस करने से बिल्कुल नहीं डरते, ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद रणबीर ने कहा है। प्रियंका से डरते हैं रणबीर। तो कभी प्रियंका को डराया है या? ये डरती नहीं है, ये हमको डराती है। हाँ, मतलब उन्होंने डराया। ये मतलब ये ऐसे करती है, मैं रोने लगता हूँ। लेकिन किस करने से नहीं डरते रणबीर? नहीं, मुझे किस से डर नहीं लगता। कंफर्टेबल हो? आई एम वेरी कंफर्टेबल। सुना आपने क्या कहा रणबीर ने? लगता है इन्हें किस करने का काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तभी तो कह रहे हैं कि किस से इन्हें डर नहीं लगता। नहीं, मुझे किस से डर नहीं लगता। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये किस करने के लिए ही फिल्म को साइन करते हैं, ये जनाब तो स्क्रिप्ट की डिमांड से किस करते हैं। नहीं, मुझे किस से डर नहीं लगता। मतलब इट्स नॉट कि मैं पिक्चर करता हूँ टू किस, अगर स्क्रिप्ट में है, अगर इट्स अ रिक्वायरमेंट देन इट हैपेंस। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे 3 फिल्मों में मुझे किस करना पड़ा। फॉर्चुनेटली ऑल द एक्ट्रेसेस वर ब्यूटीफुल, सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। और रणबीर खुद को लकी मानते हैं कि उनको अपनी एक ही फिल्म में 3 बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस को किस करने का मौका मिला। और रणबीर का ये रंगीला अंदाज प्रियंका भी जानती हैं, तभी तो जब प्रियंका से पूछा गया कि वो रणबीर के साथ क्या स्टंट करना पसंद करेंगी, तो सुनिए पिगी का क्या कहना था। प्रियंका रणबीर की कैसेनोवा इमेज के बारे में जानती हैं, तभी तो प्रियंका ने रणबीर के लिए खतरनाक नहीं बल्कि हसीन स्टंट सेलेक्ट किया। एक काम करवाना, स्टंट करवाना होता तो मैं इनको एक कमरे के अंदर बंद कर देती और उसमें 15 खूबसूरत लड़कियों को डाल देती और बोलती अब टैकल करो। वो उनका स्टंट होता। And I'm pretty sure ये फ्लाइंग कलर से पास करते हैं। What do you have to say about that? अरे प्रियंका, ये सजा थोड़ी है, ये तो रणबीर के लिए मजा है। वैसे प्रियंका और रणबीर की फिल्म अनजाना अनजानी जल्द ही रिलीज होने वाली है। और ये दोनों भी कर रहे हैं अपनी फिल्म का जमकर गुणगान। आजकल रणबीर और प्रियंका से जब भी पूछा जाता है तो वो हर बात का खुलकर जवाब देते हैं और सवाल जवाबों के बीच खींच देते हैं एक दूसरे की टांग भी। बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा। एक तरह से बहुत एरोगेंट किस्म के इंसान है तो, और वो ज्यादा समझ में आई मुझे जब मैं उनको इनसे ज्यादा वाकिफ हुई। मैं जानती नहीं थी, जैसे आपने कहा कि अभी थोड़े अनजान थे एक दूसरे से, कैसे जाने एक दूसरे को। लेकिन यू नो, सेट पे बैडली बिहेव करना, टैंट्रम्स, लेट आना, ये सब तो वैसे हीरोज़ की आदत होती है। लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि शुरुआत में भी ऐसा होता है। देखा प्रियंका क्या सोचती है रणबीर के बारे में। चिल गाइस, ये तो सिर्फ पिगी का एक मजाक था। दिल्ली से चेतना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, E24। भाई इधर रणबीर हैं जिन्हें किस करना बेहद पसंद है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ किसेस। वहीं कंगना कह रही हैं आई एम नॉट मैड। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्टर अनुराग बसु कंगना को साइको कह रहे हैं